Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are going to discuss today electrostatics. This is video lecture number 2. I hope you have already watched part 1 before watching this part 2. इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे पार्ट की, यानी पहले चैप्टर में हमने बात किया था कि चार्ज क्या है और चार्ज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है. इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की और कूलम्स लॉ की. तो कूलम्स लॉ की तो डिटेल चर्चा होगी ही होगी, लेकिन उसके पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की चर्चा करते हैं. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांट का मतलब होता है नंबर, और चार्ज का नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का नंबर. क्या नंबर है चार्ज का? क्वांटाइजेशन का मतलब, क्वांट का मतलब होता है गुच्छा, ये भी कह सकते हैं. क्वांटाइजेशन का मतलब होगा गुच्छा, एक नंबरों का गुच्छा, और किसका गुच्छा? चार्ज का. तो चार्ज नंबरों का गुच्छा ये कह सकते हैं, अ बंच ऑफ नंबर ऑफ चार्जेज. बट हाउ एंड व्हाई दिस नेम इज बीन गिवन? एक्चुअली द मिल्क एंड सॉयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, you have heard about this in 11th class, and definitely it has been also taught in chemistry in class 12th. But recently I have not to discuss those theory and those practicals, but I have to refer those one. Milk and soil drop experiment mein ye kaha gaya, ek experiment kiya tha Milkins ne, aur usme ek oil spray atomizer se ek experiment kiya tha. उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफर होती है या एक्वायर होती है, वो एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर्स के फॉर्म में होती है. यानी किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज जो जा रहा है, वो है, पहले इस टॉपिक का नाम लिख दें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज. उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि एक बॉडी से जो दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, वो हो रहा है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, या 3.10 × 10⁻¹⁹ कूलम, या 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम, और 8.0 × 10⁻¹⁹ कूलम. ऐसा इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है वो इतना ही हो रहा है. बाद में इसको एनालाइज किया तो देखा कि ये चार्ज कुछ नहीं है, 1 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये है ट्वाइस ऑफ 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, या ये है 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और ये है 5 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ऐसा जब ये चार्ज ट्रांसफर उन्होंने देखा तो ये देखा कि ये जो चार्ज है ये किसी न किसी नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल है. ये किसी न किसी नंबर के क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है. 1.6 × 10⁻¹⁹ या तो 3 के मल्टीपल है, या 5 के मल्टीपल है, या 2 के मल्टीपल है, या 1 के मल्टीपल है. ऐसा देखने पे पता चला कि ये एक नंबर के मल्टीपल ही चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं. इसका मतलब है कि उन्होंने ये सोचा कि ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ट्रांसफर होता है, या दो इलेक्ट्रॉन के, या तीन इलेक्ट्रॉन के, या चार इलेक्ट्रॉन, या पांच इलेक्ट्रॉन, या जैसे भी होगा. सो चार्ज विल बी ऑलवेज ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. दिस इज कंसीडर्ड टू बी चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर इट कैन बी डिस्क्राइब दैट चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन. सो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑन each electron, on each electron is what? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, right? This is a negative, you can say. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो चार्ज जो हुआ, चार्ज एक्वायर जो किया वो निगेटिव में हुआ. तो ये एक है, इसलिए इसको कहा गया कि 1 × E, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हुआ, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हुआ, या तीन इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पांच इलेक्ट्रॉन का. इसका मतलब ये है कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ट्रांसफर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। इसका मतलब रहता भी ऐसा ही होगा। अगर आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नोट है, 10 के ही नोट है, तो आप जिसको भी देंगे 10 के मल्टीपल में ही नोट देंगे। आपके पास मान लीजिए कि सिर्फ 10 के मल्टीपल में नोट है, तो आप किसी को देंगे तो या तो 10 देंगे या 20 देंगे या 30 देंगे या 40 देंगे, किसी को 42 नहीं दे सकते। इसी तरह से जब है ही इंटीग्रल मल्टीपल में, तभी ये इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि चार्ज जो किसी भी सब्सटेंस में होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन होता है। अगर n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस बॉडी में चार्ज होगा 5 ही। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस बॉडी में चार्ज होगा 6 ही। अगर n इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉडी के अंदर टोटल चार्ज जो होगा वो n ही होगा। सो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसी को कहा गया कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में है, एक गुच्छे के रूप में है किसी भी बॉडी के अंदर। दैट इज सेड दैट चार्ज ऑफ ए बॉडी, चार्ज ऑफ ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड देयरफॉर वी कैन से चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, राइट। सो क्यू, इफ क्यू इज द चार्ज देन इट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस। क्यू इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, एंड एन इज एन इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर, एंड ई इज द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ई इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये चार्ज जो है क्वांटाइज माना गया। अब रिसेंटली एक थ्योरी आई है जिसमें कहा गया कि चार्ज जो है वो इसी तरह से हमेशा ट्रांसफर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। एक टर्म्स आई है जिसको कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स क्या है कि ये कहा गया कि क्वार्क्स वो फॉर्म है चार्ज का जो या तो चार्ज 1/2e के फॉर्म में, 1/3e के फॉर्म में, 1/3 ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या 2/3 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अल्दाव इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इसको डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया है। लेकिन दूसरे सोर्सेस से, दूसरे सब प्रैक्टिकल मेथड से ये पता चलता है कि इस तरह का चार्ज एग्जिस्ट करता है। अगर ये थ्योरी फ्यूचर में प्रूफ हो भी जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ इंटीग्रल नंबर जो चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन को स्टैंडर्ड माना गया वो रिड्यूस होकर 1/3 ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और कोई बड़ी बात इसमें नहीं होगी। सो उस स्थिति में इन तरह के चार्ज करते हैं, जो ई को स्टैंडर्ड माना वो 1/3 ई को स्टैंडर्ड मान लेंगे, और जो ये हाँ कोई भी नंबर ही होगा इसी के 1/3 ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मान लेंगे स्टैंडर्ड, और इसी के मल्टीपल जैसे ये दुगना है तो 2e हो गया, ये तीन गुना होगा तो 3e हो जाएगा, लाइक दैट। तो इसको मान लेंगे, कोई और एक सिंबल दे देंगे और उसके हिसाब से जितने मल्टीपल होंगे उतना कहेंगे। बट क्वांटाइजेशन थ्योरी तब भी कामयाब ही रहेगी, तब भी क्वांटाइजेशन थ्योरी किसी भी शर्त पर चेंज नहीं होगी, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह से किसी भी बॉडी के अंदर जो चार्ज होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी तक ये थ्योरी दी गई है, इसलिए इसको कहते हैं कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड रहता है बॉडी के अंदर, और चार्ज इसी में जब ट्रांसफर होगा तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन के बराबर ही ट्रांसफर होगा, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब इस सिंबल को और ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड करने के लिए हम इसमें प्लस माइनस साइन भी दे सकते हैं,
या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज होती है या निगेटिवली चार्ज होती है, इन कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटोन। तो जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटोन पे चार्ज होता है, लेकिन इसलिए हम इसे प्लस माइनस एन ई कहेंगे, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, बिकॉज चार्ज कैन बी पॉजिटिव और चार्ज कैन बी निगेटिव। अब बात करते हैं कूलम्स लॉ का। कूलम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसा कि पहले हमने देखा था कि जब लाइक चार्जेज को एक दूसरे के साथ लाते हैं तो लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट इच अदर, बट ये अट्रैक्शन और रिपल्सन करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है। मैग्नेटिक फोर्स जैसे होता है, वैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स होती है, जिससे की वजह से दो अपोजिट पोल के मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी चार्जेज जो है, चूंकि सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेज यानी अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये थ्योरी एस्टेब्लिश करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होगी, जिस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा गया। जब मैग्नेट के बीच में फोर्स लगा गया तो मैग्नेटिक फोर्स कहा गया। उसी तरह से यहाँ पे चार्ज चुकी रेस्ट में है और एक फोर्स काम कर रहा है, वो इमेजिनरी फोर्स है, उस फोर्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन वो फोर्स काम कर रहा है। तभी हम जैसे कि धक्का दे रहे हैं किसी को, तो किसी को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए एक फोर्स लगाने की जरूरत होती है। अगर हम फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो वो रिप्लेस या डिस्प्लेस या अट्रैक्ट नहीं हो सकता। उस फोर्स को हम कहेंगे, चूंकि यहाँ चार्ज स्टैटिक चार्जेज के बीच में फोर्स लग रहा है, इसलिए उस फोर्स को कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसी फोर्स के बारे में कूलम्स ने एक लॉ दिया, तो इसी फोर्स को हम कहेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है, ये देखिए, ये फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कहा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of distance between them, क्योंकि फोर्स है और फोर्स में मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, सो बिटवीन देम, तो डायरेक्शन के बारे में कहा, एंड इट एक्ट्स अलोंग द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, एक्ट्स अलोंग द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज। ये कहा कि जो चार्जेज के बीच में डिस्टेंस है उसी के अलोंग ये फोर्स काम करेगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है, जैसे कि आपने देखा लाइट चार्जेज हो तो अट्रैक्ट करेगा, सॉरी रिपेल करेगा, और अनलाइट चार्जेज हो तो अट्रैक्ट करेगा। ये बार बार मेरे से गलती हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट सोच कुछ और रहा हूं आगे और स्लिप ऑफ टंग हो रही है। सो लाइक चार्जेज
repel each other, and like charges attract each other, is directly proportional to the product of charges, and inversely proportional. Ek hai directly proportional, ek hai inversely proportional. Distance between them. अगर इसको हम कहें कि दो पॉइंट चार्जेज, मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्जेज हमने ये लिया यहाँ पे और एक पॉइंट चार्जेज यहाँ पे लिया, ये है Q1 और ये है Q2 चार्जेज, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि R है, ये डिस्टेंस इनके बीच का क्या है, R है। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा, लेट Q1 एंड Q2 be two point charges separated rated by distance r from each other in a vacuum right और इन फ्री स्पेस और इन फ्री स्पेस ठीक है। इफ बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज then F must be directly proportional to the product of charges that is Q1 into Q2 and F must be proportional to a square of inversely proportional to a square of distance between them that is R square है ना, ये डिस्टेंस है आर तो आर स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए, कंबाइनिंग द अबव टू, देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू लिखने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। लेटर ऑन ये के अभी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको बाद में डिफाइन किया गया और इसको पता किया गया कि ये कांस्टेंट कितना होगा, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज लेटर डिफाइंड एज k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space. ठीक है, अभी परमिटिविटी क्या होता है आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे, अभी आप परेशान ना हो, अभी आप इसको समझे कि परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी मतलब परमिशन देने लायक, परमिट करने लायक, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना परमिट करेगा उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ लाइन को जाने के लिए, तो ये है परमिटिविटी। उस मीडियम में जो फ्री स्पेस है उसमें कितना परमिट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लाइन ऑफ फोर्सेज को परमिट करेगा ट्रेवल करने के लिए, तो परमिटिविटी होती है। अब इतना इसको याद रखना है कि एप्सिलन नॉट, इस पर और भी आगे चर्चा होगी कि ये क्या है, फिलहाल ये समझिए एप्सिलन नॉट इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये कहा कि k इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है, दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। अब इसमें एक बात और लिखी है कि यह तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो डायरेक्शन क्या लिखा है कि एक्स अलोंग द लाइन अलोंग द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो वही है, मैग्नीट्यूड है,
अब क्या करेगा और कैसे करेगा ये जानने के लिए हम आगे चर्चा करते हैं कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होना चाहिए। ये डिपेंड्स करेगा कि दोनों जो चार्जेज हैं, अगर ये Q1 है ये Q2 है, अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्जेज है मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, एक फोर्स इधर की ओर इसको रिपेल करेगा, ये इधर की ओर रिपेल करेगा, यही इनके बीच का डिस्टेंस है तो लाइन के अलोंग ही ना हुआ ना, तो ये फोर्स को इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा। अगर मान लेते हैं कि दो निगेटिव अप चार्जेज जो हैं, Q1 जो है वो क्या है पॉजिटिव है और Q2 जो है वो क्या है निगेटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको ये इसके बीच का डिस्टेंस आर है, ये फोर्स इसको ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तब भी किस डायरेक्शन में लाएगा, तब भी इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ अलोंग द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। तो चाहे ये लाइक हो चाहे ये अनलाइक हो, दोनों के डायरेक्शन जो होगी, फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो लाइन के अलोंग ही होगी, लाइन के अलोंग ही होगी। सो चूंकि लाइन के अलोंग ही ये फोर्स है, इसलिए लेकिन फिर भी ये किस डायरेक्शन में है, रिपेल करेगा तो अवे फ्रॉम द लाइन है, और अगर अट्रैक्ट करेगा तो टूवर्ड्स द लाइन है। इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड करेगा, इट्स ऑल अबाउट द नेचर ऑफ चार्जेज इन विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन। तो हम ये बात करते हैं कि अभी दो पॉजिटिव चार्जेज अगर हम लें तो लाइक चार्जेज उसके बीच में किस तरह का होगा और उसका एक वेक्टर फॉर्म हम डील करते हैं। सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है, इसमें हम डायरेक्शन की बात करेंगे। क्या है जरा समझिए, ये मान लेते हैं कि एक चार्जेज यहां पे Q1 है और ये चार्जेज है Q2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R। तो अब यहां पर ये R जो डिस्टेंस है इन दोनों फोर्स के बीच में, ये एक चार्ज है ये एक चार्ज है, दोनों लाइक चार्जेज है या अनलाइक चार्जेज, वॉट एवर वी आर नॉट गोइंग टू गिव द डायरेक्शन, बट अभी मान लेते हैं कि लाइक चार्जेज है। थोड़ा सा इसको और अलग लिख दूं ताकि पता चले, ये Q1 है ये Q2 है और ये है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। तो यहां पर ये अगर 1 है ये 2 है तो हम लिखते हैं कि लेट F12 इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई चार्ज वन ड्यू टू परजेंस ऑफ चार्ज टू एट बी। ये ए और बी दो पॉइंट मान लेते हैं। इसी तरह से F21 इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज टू ड्यू टू presence of charge one, ठीक है। तो F12 और F21 ये दो तरह के फोर्स हो गए। अब F21 क्या है, F1 पे कैसा लगेगा, F1 क्या किधर की ओर डायरेक्शन होगा बताइए। F12 फोर्स जो होगा वो क्या होगा, K Q1 Q2 upon R square, R जो मैग्नीट्यूड है वो है R स्क्वायर, डायरेक्शन किधर की ओर होगा तो इनके बीच में जो डायरेक्शन होगा ये F1 एक्सपीरियंस करेगा इधर की ओर, यानी B से A की ओर जो वेक्टर होगा उसको हम कहेंगे कहां से कहां तक, R21, ये हम लिख देते हैं, B से A की ओर डायरेक्टेड होगा, टुवर्ड्स B से A की ओर, टुवर्ड्स BA, ठीक है। इसको और बढ़िया तरह से लिखें तो हम ये लिख देंगे B से A की ओर होगा फोर्स, इसकी डायरेक्शन होगी B से A की ओर, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो B से A की ओर होगा। Q1 Q2 अपॉन R21 और का स्क्वायर, ये हो गया R21 मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन किधर की ओर,
आर टू वन की ओर, ठीक है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का सिंबल है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ आर टू वन का होल स्क्वायर, आर टू वन का होल स्क्वायर। आर टू वन का मतलब हुआ आर टू वन का मतलब हुआ कि पोजिशन वेक्टर बिटवीन बी ए, बी ए क्या होगा आर टू वन, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर बी ए अगर लिखे तो हम लिखेंगे आर टू वन, ठीक है ना, बी और ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू ए इज आर टू वन, और ये भी किसके बराबर है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आर के बराबर, और ए बी जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी होगा आर वन टू, वन से टू की ओर, ये वेक्टर, और इसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा आर के। आपको पता है कि हम किसी वेक्टर को अगर लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन में, उसके मैग्नीट्यूड से, वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। जैसे आर टू वन अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन का स्क्वायर, और आर टू आर यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम लिख देंगे आर टू वन वेक्टर डिवाइडेड बाई आर टू वन का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना हो तो वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है, ये आपको पता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल वन टू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर टू वन का होल क्यू, मैग्नीट्यूड क्यू एंड आर टू वन वेक्टर। इस बात को जरा ध्यान से देखिए, इस बात को आर टू वन क्यू कैसे हुआ, एक तो स्क्वायर था यहाँ पे और एक की आर टू वन यहां से आ गया इसलिए क्यू हो गया। तो हम इसको और बेहतर तरीके से ये लिख सकते हैं कि के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर आर स्क्वायर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, आर क्यू हो गया, और आप इसको लिख सकते हैं आर वन टू वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू, है ना, वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू, ये लिख सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड नहीं ये है वेक्टर, क्योंकि पोजिशन वेक्टर अगर कहीं पर भी, ये मान लीजिए वेक्टर, थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूं, वेक्टर को कैसे लिखते हैं, पोजिशन वेक्टर आर वन टू को ये लिख सकते हैं ऐसे, ये है वन और ये है मान लीजिए टू, आपको लिखना है आर टू वन, ये टू है ये वन है, आर टू वन लिखना है तो आप क्या करते हैं, ये टू से वन की तरफ लिखना है तो ये पोजिशन वेक्टर टू और पोजिशन वेक्टर वन, वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, इसलिए हम लिख सकते हैं मान लीजिए ये ए पॉइंट, ये पी पॉइंट मान लें, क्यू मान लें, तो हम वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू, है ना। तो इस तरह से हम पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ बाद वाला माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पहले वाला। यही बात यहाँ पे हमने लिखा है कि बाद वाला यानी वन का पोजिशन वेक्टर और पहले वाला मतलब टू का पोजिशन वेक्टर। तो ये है फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ड्यू टू टू, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहें कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय एफ टू वन सिमिलरली एफ टू वन इज इक्वल टू व्हाट हैपन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ये फोर्स कहां से कहां तक होगा, वन से टू की तरफ, इसका क्यूब हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा आर वन टू वेक्टर, है ना। तो इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यू, क्योंकि आर वन टू और आर टू वन दोनों ही क्या है, बराबर है, वेक्टर आर वन टू और कमिंग टू और वेक्टर आर टू वन का मैग्नीट्यूड दोनों ही किसके बराबर है, आर के बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं। और आर वन टू को यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर टू पोजिशन वेक्टर ऑफ बाद वाला माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पहले वाला। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये आर टू वन और आर टू माइनस आर वन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर वन माइनस आर टू, तो ये हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यू आर वन माइनस आर टू। बोलिए,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको कह सकते हैं ये किसके बराबर है, अगर आप देखेंगे तो ये F12 के बराबर है, तो दैट इज माइनस ऑफ F12। इसका मतलब हुआ कि F21 अगर दो बराबर चार्जेज हैं, इक्वल चार्जेज हैं या अनइक्वल चार्जेज है बट लाइक चार्जेज हैं, तो दे विल अप्लाई फोर्स इक्वल बट अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि टू लाइक चार्जेज एक्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू ईच अदर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू ईच अदर each other, irrespective of the magnitude of charges। ये नहीं कि ज्यादा वाला है, दोनों में बराबर ही है, क्योंकि एक बड़ा चार्ज हो एक छोटा चार्ज हो तो ऐसी बात नहीं है कि बड़ा चार्ज वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा और छोटा चार्ज वाला कम लगाएगा, दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें सेम ही होगा। सो irrespective of magnitude of charges, of magnitude of charges। इसलिए दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करे बट उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता, तब भी वो रेस्ट में ही रहते हैं। तो ये बात वेरीफाई करने के लिए आ सकता है और वेक्टर फॉर्म में यही बात हम प्रूफ कर सकते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं और इनके डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। एंड ऑल्सो वी कैन से कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, F21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F12 का मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो इस तरह से कूलम्स लॉ को प्रूफ किया जा सकता है। तो आइए एक बेसिक न्यूमेरिकल कर लें ताकि आपको पता चले कि कैसे होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि ए पॉलीथीन पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल एंड एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम्ब, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ट्रांसफर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज ट्रांसफर्ड विच आर ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड फ्रॉम पूल टू पॉलीथीन पॉलीथीन, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू एन ई, ये हम जानते हैं, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा Q बाई ई, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो ये तो दो बार में कैंसिल हो गए और माइनस 19 ऊपर में जाके माइनस 7 के साथ प्लस होगा, तो 19 माइनस 7 इज 12, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू इतना 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चार्ज
की यूनिट होती है कुलम, ये आपको पता होना चाहिए, यूनिट ऑफ चार्ज इज कुलम, चार्ज इज कुलम, इन्हीं कुलम के नाम पे है। कुलम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक कुलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो छोटे से चार्ज को मिली कुलम और माइक्रो कुलम, वन कुलम इज इक्वल टू 10^-3 मिली कुलम, ठीक है एम, और वन कुलम इज इक्वल टू 10^-6 माइक्रो कुलम होता है, इसको माइक्रो कुलम कहते हैं, माइक्रो कुलम, और यह है मिनी कुलम, मिली कुलम, ठीक है। तो ये आप छोटे छोटे चार्ज, इतने छोटे छोटे चार्ज एक्वायर होंगे और इतने छोटे छोटे चार्ज की बात की जाएगी इन सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट चार्ज इज कंसीडर्ड एज स्टैट कुलम, स्टैट कुलम, स्टैट कुलम, ये होता है। अब एक कुलम कितना को कहेंगे, एक कुलम में 3×10^9 स्टैट कुलम होता है, ठीक है ये दिमाग में रखना है, ठीक है। एक कुलम इज इक्वल टू 3×10^9 स्टैट कुलम, ये होता है, याद रख पाएंगे, ठीक है। अब एक कुलम चार्ज कितना होगा, अगर हम चार्ज को कहें तो इसको डिफाइन करेंगे कि एक कुलम चार्ज कितना होगा, फोर्स जो है वो है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ना। तो एक कुलम चार्ज कितना होगा, अगर ये एक मीटर हो, ये K की वैल्यू कितना हो, K होता है 1/4πε0, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9×10^9, ठीक है ये याद रखना है आपको कि K की वैल्यू आएगी 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये आएगा K की वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर ये Q1 भी 1 हो, ये भी 1 हो, Q1 1 कूलम्ब, Q2 भी 1 कूलम्ब हो और R भी 1 मीटर हो, तो दोनों के बीच में इतना फोर्स लगेगा 9×10^9 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। सो इफ टू चार्जेज, वन कूलम्ब इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, वन कूलम्ब इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज व्हेन टू सच सिमिलर चार्जेज, टू सच सिमिलर चार्जेज, सिमिलर चार्जेज आर सेपरेटेड, सेपरेटेड इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर एक्जर्ट फोर्स इक्वल टू 9×10^9 न्यूटन टू ईच अदर, ऐसे कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से 1 कूलम का डेफिनेशन मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये कूलम्स लॉ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसका वेक्टर फॉर्म भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है यानी स्लिप ऑफ माइंड आपकी होती है वीडियो देखने के दौरान, तो आप इसे दोबारा एक बार जरूर देख लें, और फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई क्लेरिफिकेशन की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें भेजें, हम जरूर उसका जवाब देंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, अगली क्लास में फिर मिलते हैं और इससे आगे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।